कुछ सेंटर तो यहाँ रोबोटिक एक्टिविटी भी बाद में हमसे टिकारिया से जुड़ गए, क्योंकि इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है आदमी। इसमें पैसा बिल्डिंग ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होती है, इसके अंदर आदमी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हमसे टिकारिया से जुड़ गए, हम पूना गए। पूना में एक आयुका में इसी टाइप की एक कार्यशाला थी, गुप्ता सर है आयुका के अंदर जो देते हैं। आप भी कभी पूना गए तो बरबर वहाँ विजिट करो। उनकी कल्पना लेते हुए कि टिकाऊ मटेरियल से साइंस कैसा सिखाया जा सकता बच्चों को सकता, ये कल्पना से यहाँ सेंटर अभी 4 महीने पहले शुरू हुआ। और इस सेंटर में हमने अभी तक 20 कार्यशाला बच्चों की, और हमारा फोकस है इंग्लिश मीडियम के बच्चे नहीं, टोटली फ्री। हम जनरली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड मराठी मीडियम के बच्चों को, और या तो हिंदी मीडियम मराठी मीडियम लोअर तबके को, यहाँ पे फीस नहीं ली जा सकती उनसे। और उसी से उनको 4 घंटे टिकारिया सर पूरा इंटरटेनमेंट करते हुए उनके साइंस में जो इंटरेस्ट है वो जगाते, और बाद में टिकारिया सर वो फॉलोअप के लिए भी तैयार है। यानी सिर्फ एक बार बता देने के बाद क्यूरियोसिटी जगा दी और फॉलोअप नहीं हुआ तो उसका कोई उपयोग नहीं होता है। लेकिन टिकारिया सर उसके बाद भी क्या करते हैं कि वो बच्चे उनको पूछते हैं कि ये कैसा करना है, क्या करना है, तो उनको पूरा फॉलोअप भी है। और टिकारिया सर नेट से भी बहुत है, तो फेसबुक पे हर आदमी को, महाराष्ट्र में कम से कम उनके 5000 से ज़्यादा बच्चे उनसे जुड़ चुके हैं, जो हरदम उनसे प्रश्न पूछते हैं कि ये किट में कैसा बनाना है, वो किट में कैसा बनाना है, तो एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है। तो हमारे सेंटर को टिकारिया एक बहुत अच्छी उपलब्ध तो ये गिफ्ट है, उसके कारण हमारा नहीं तो रोबोटिक कैंप भी हमारे पास ज़्यादा चलता था। और ये जरूरी नहीं है वैदिक मैथ्स के भी क्लासेस दिए हमने, फोटोग्राफी के लिए इन कंटिन्यूस मोशन पे हम शनिवार रविवार को अभी साइंस का अपन प्रयोग कर लिया, ये हमारा कंटिन्यूस चालू है। अभी वैदिक मैथ भी अभी चालू होने वाला है। तो हर इनोवेटिव आइडिया, आदमी मिल गया तो सब चीज़ हो सकती है, आदमी नहीं मिला तो बाकी कोई भी फैसिलिटी वैसी नहीं आ सकती। तो थैंक यू सर।